हेलो एवरीवन, यहाँ पर मैं एपिसोड 1 और 2 का प्रीव्यू जैसा बनाऊंगी, जहाँ पर सिर्फ मेन लीड को फोकस करूंगी। तो हम कभी भी नहीं जाएंगे कि लाइफ में किसी को प्यार में धोखा मिले। प्यार और धोखा दोनों ऐसे शब्द है, अगर प्यार किसी को मिलेगा तो उसकी पूरी लाइफ बन जाएगी, लेकिन वही इंसान को अगर धोखा मिलेगा तो अपने सबसे करीबी लोग से धोखा मिलना कितना पेनफुल होगा वो सबको पता है। तो इसी चीज़ को ये ड्रामा बहुत अच्छी तरह से दिखाता है, और कंसेप्ट भी ऐसा ही है, लव एंड डिसेप्शन। इसका था नेम प्रति लुआंग। तो अभी रिसेंटली ऑन एयर हुआ है, तो मैंने सोचा एक प्रीव्यू बनाई देती हूँ। मैंने एपिसोड्स भी डाला है, आप लोग वो देख सकते हो। तो हमारी कहानी की स्टार्टिंग होती है टाई से। टाई मतलब इस ड्रामा का लीड। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और यहाँ पर ना वो जब अंदर अपने घर पे जाता है तो वो देखता है कि अपने जो उसके डैड थे किसी के साथ रोमांस कर रहे थे, और बाद में पता चलता है वो रोमांस करने वाली लड़की तो कोई और नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है कोंग। तो ये है इस ड्रामा की सेकेंड लीड बोल सकते हैं, यानी आई डोंट नो। जब टाई अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पापा के साथ देखता है ना, तो वो बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। तो एक और बात, यहाँ पर उसके पापा को पता नहीं था कि उसका बेटा उसको डेट कर रहा था। तो बेसिकली यहाँ पर हो सकता है कोंग थी यहाँ की सबसे बड़ी कॉल्पीट। इस तरह से अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पाप के साथ देखने के बाद वो पागल हो जाता है, और उसके बाद वो बहुत गुस्से में बाहर निकल जाता है। एंड ना बाहर ना एक लड़की से रोक रही थी, और वो बोल रहा था कि तुम और तुम्हारी बहन ने मिलकर मुझे धोखा दिया ना, तुमने छुपाया मुझसे इतनी बड़ी बात, ये सब बोल के उसे सुना रहा था। तो हमें पता चलता है कि जो दूसरी लड़की है वो थी यहाँ की लीड प्ला, और वो कोंग की छोटी बहन थी, और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पर ना प्ला उसे रोक नहीं पाती। नेक्स्ट सीन, जहाँ पर टाई ना कहीं और था, और वो उसकी हालत कुछ खास ठीक नहीं थी। वहाँ पर वो एक जगह पे था, मुँह धोने वाला था, तभी वो देखता है एक लड़की डूब रही है। तो वो क्या करता है, उस पानी में जाला जाता है और उस लड़की को निकालता है। तो ये लड़की का नाम है पिन, और उसके घर वाले ना गलत समझ लेते हैं और टाई को मारने लगते हैं। एंड देन सीन शिफ्ट्स अगेन, जहाँ पर टाई बार बार अपने घर पर आया हुआ था, लेकिन वो बाहर से ही निकल जाता था, ये सीन दिखाया है। यहाँ पर ना प्लाटोंग प्ला बहुत बार उसने सर्च करने की ट्राई किया है, और उसने ना टाई को अपने घर के आसपास भी पाया है। तो ये टोंग है ना, वो टाई के घर पर ही रहती थी। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। और वो बार बार वो सर्च करने की ट्राई करती थी टाई को। इधर दिखा जाता है फिर से टाई को, यहाँ पर ना उसकी हालत ठीक नहीं थी, और यहाँ पर ना जिस लड़की पिंग के पापा थे वो भी एक विलेज के बहुत बड़े आदमी थे। यहाँ पर ना वो टाई से बोल रहे थे थैंक यू सो मच। अब पहले बेटी होश में नहीं थी तो गलत समझ लिया, लेकिन बेटी होश में आ गई तो सब ने सच लाई तो जान ली। और यहाँ पर ना उसे कुछ बात करने की ट्राई करती, लेकिन यहाँ पर टाई उनसे बात करने का बिल्कुल भी मूड में नहीं था। और बाद में वो उसकी हेल्प करते, उसे निमोनिया कुछ हो गया था, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। नेक्स्ट सीन, जहाँ पर जो कोंग थी ना इतनी वाहियात बन चुकी थी इस टाइम तक, उसने टाई के पापा से शादी कर लिया था, लेकिन वो टोटल मैटरलिस्टिक थी। और यहाँ पर ना दिखाया जाता है टाई को अब 2 साल बाद, यहाँ पर ना वो फूल पूरी तरह से बदल गया था। अपने प्यार से धोखा मिलने के बाद अब हर कोई इंसान बदलता है, ये तो नॉर्मल बात है। और इस हद तक बदल चुका था कि वो यहाँ पर ना वो जिस एरिया पर रहता था, मतलब उसका कमरा होता है ना जहाँ पर, वो वहाँ पर किसी को अलाउ करता ही नहीं था। और यहाँ पर पिन को दिखाया जाता है, पिन मतलब वही लड़की जिसको उसने बचाया था, उसे उस पर इतना ज़्यादा क्रश हो गया था, प्यार मतलब जो भी बोल सकते, लेकिन वो उसे फुल इग्नोर करता था। और यहाँ पर ना नेक्स्ट सीन, जहाँ पर ना टाई ने एक लेटर लेके वहाँ से वो चला गया था कि आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की, थैंक यू सो मच, लेकिन ये मेरा मंजिल नहीं है, मुझे जाना है। तो यहाँ पर ना सब लोग उसके पीछे चले गए थे, और भी उनके पापा मिस्टर विसेट वो उसे मिल लेते और बोलते कि क्या बात है मुझे बताओ, तुम हमेशा ऐसे कंजर्वेटिव रहते हो, कुछ तो हुआ है ना मुझे बताओ। तो यहाँ पर टाई उन्हें बताना स्टार्ट कर देता है कि प्ला और कोंग दोनों बहनें थे, वो उसके घर पर रहते थे, और वो कोंग को बहुत प्यार करता था। एंड देन उसका बाकी तो हम सबको पता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसके पापा के साथ रोमांस करती हुई मिल गई, तो उसने अपने पापा से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, अपने घर वाले से रिश्ते नाते तोड़ दिए, एंड ही मूव्ड ऑन। और अब तक उस बात को कभी भुला ही नहीं पाया, और वो बहुत रोता है। तो यहाँ पर ना मिस्टर विसेट बोलते हैं कि बेटा लाइफ में हर किसी के साथ एक बैड एक्सपीरियंस होता है, तो उससे भूल के आगे बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट सीन, जहाँ पर ना अब दिखाया जाता है कोंग को, कोंग कुछ पैसे चुरा के वहाँ से भागने वाली थी। तो अब तक टाई के पापा को पता चल चुका था कि उनकी मिसेस कैसी है, मतलब टोटल मैटरलिस्टिक थी। तो यहाँ पर ना वो क्या कहती थी ना, मुझे रेस्टोरेंट के लिए पैसे चाहिए बोल के, रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए बोल के बहुत सारे पैसे लेती थी, और बहुत सारे लड़के के साथ सारे पैसे खत्म कर देती थी। तो मैंने बोला ना मैटरलिस्टिक लड़की, तो ये सारी चीज़ें पता थी उनके पापा को। और अभी तो पूरा बैंक ही लूटने वाली थी, मतलब मेन लॉकर से पैसे। और यहाँ पर ना वो जब सच्चाई आती है तो वो सॉरी सॉरी बोल के वो मैंने का ड्रामा करती है। एंड देन यहाँ पर ना सीन ऐसे ही यहाँ पर भी शिफ्ट होता है। तो नेक्स्ट सीन, जहाँ पर ना टाई अपने घर पे आया हुआ था, और यहाँ पर प्ला जब कमरे में आती है तो वो चिल्लाने लगती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो क्या हुआ था ना मिस्टर विसेट,
सॉरी जो टाई के पापा थे ना वो ज़मीन पे पड़े हुए थे। यहाँ पर ना प्ला को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, लेकिन यहाँ पर उन्हें उन्हें सांस भी नहीं आ रही थी। एंड देन दिखाया जाता है हमें यहाँ पर वो रो रही थी, तभी टाई भी आ जाता है। टाई जब आता है तो वो देखता है यहाँ पर आप उसके पापा पड़े हुए हैं। एंड व्हेन ही चेक्स द नॉब, मतलब पॉल्स चेक करते तो वहाँ पर पॉल्स नहीं था, तो ही वॉज डेड। यस गाइस, इस तरह से एपिसोड दिखाया है। एंड देन नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर पुलिस आ चुकी थी। यहाँ पर माहौल बहुत ख़राब था, लेकिन टाई को पूरा यकीन था कि इन दोनों बहनों ने मिलकर मेरे पापा को मारा है। तो अब देखो यहाँ पर ना जब पुलिस पूछता है कि किसी पे डाउट है, तो वो सीधा सीधा जाके प्ला को बोलता है कहाँ पर है तुम्हारी बहन, कहाँ पर है तुम्हारी बहन, तुम दोनों ने मिलकर मेरे पापा को लुटाया ना, पहले मुझे मेरे पापा से दूर किया और मेरे पापा को फंसाया, सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब पैसे अटने के बाद मेरे पापा को मारा, कहाँ है तुम्हारी बहन। वो बोले थी कि तुम क्या बोले, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर टाई को पूरा यकीन था कि उसकी बहन नहीं, मतलब जो कौन थी ना उसी ने मारा है उसके पापा को। और वो बोलता है मैं तुम दोनों बहनों को नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों बहनों जैसे पैसों के लिए कुछ भी करती हूँ उन दोनों को मैं चैन से रहने नहीं दूंगा। बोल के वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि तुमने बहन को कहाँ छुपाया, कहाँ छुपाया। लेकिन अब बेचारी को तो नहीं पता ना उसकी बहन कहाँ पर है, और उसे तो ये लगता है, मतलब देखो हमें भी नहीं लगता वो उसकी बहन ने किसी का मर्डर तो नहीं किया होगा। और वो सिर्फ कॉल करने की भी ट्राई करता है उसके फ़ोन के थ्रू, लेकिन नहीं लगता। एंड देन सीन शिफ्ट्स अगेन, जहाँ पर ऑफिस पे जाने के बाद पता चलता है टाई को कि ऑफिस की हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसके पापा तो जब उसको कौन से उसने उन्हें शादी किया था ऑफिस पे आए ही नहीं थे 3 महीने से। बहुत सारे एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया और यहाँ पर ना सैलरी ना दे पाने की वजह से रिजाइन किया था 3 जो लोग थे उन्होंने, और ये सब सुनने के बाद उसकी हालत ख़राब हो गई थी। नेक्स्ट सीन जहाँ पर वकील आते हैं, वकील आने के बाद क्या होता है ना, उसके पापा ने एक विल लिखा हुआ था जहाँ पर अगर प्लाटून के साथ प्ला के साथ टाई शादी नहीं करेगा तो कुछ भी उसे नहीं मिलेगा। मतलब लिटरली उसके पापा के जो भी प्रॉपर्टी थे सब कुछ प्ला को मिलने वाला था, और 3 साल तक साथ में रहना था। अगर उनका बच्चा होता है तो सारी प्रॉपर्टी उसके बच्चे को मिलेगी, और मतलब तीनों साथ में रहना होगा। ये सब सुनने के बाद दोनों की हालत ख़राब हो गई थी। लाइक लिटरली देखो इन दोनों को एक दूसरे से शादी तो करनी ही नहीं थी। और यहाँ पर ना ये सब देखने के बाद अब टाई को तो यकीन होता है, मतलब पैसों के लिए अब उसके पापा को ऐसे रिझाया, मतलब बोलते हैं ना एक टर्म, पापा को इम्प्रेस किया, और उसके बाद अब सारी प्रॉपर्टी प्लान है अपने नाम पे करने की ट्राई किया, जिससे उसकी बहन थी ये सब बोल रहा था। यहाँ पर एक कैरेक्टर सथेप, देखो ये कैरेक्टर इस ड्रामा में डॉक्टर है, लेकिन इसका कुछ खास रोल नहीं है। अभी अगर होगा तो मैं बाद में बताऊंगी, मैंने एपिसोड एक्सप्लेनेशन में भी बोला है। तो यहाँ पर ना वो सिर प्रोटेक्ट के रह गया था, तो यहाँ पर ना अब टाई ये बोलता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मेरे पापा की सारी प्रॉपर्टी लेना चाहती हूँ, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। और वो इसलिए बोल रही थी कि तुम्हारी प्रॉपर्टी लेने से अच्छा है मैं मर ना जाऊँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारी प्रॉपर्टी में से। अगर तुम अच्छे बेटे होते ना तो कभी भी अंकल सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर नहीं करते, ये विल नहीं बनाते। तुम अपने पापा को छोड़ के भाग गए थे जिस टाइम पर तुम्हारे पापा को तुम्हारी सबसे ज़्यादा जरूरत थी, तब तुम वहाँ पर नहीं थे, बोल के उसे सुना रहे थे। टाई को बहुत गुस्सा आता है, तो अब वो ना पूरी तरह से रिवेंज मोड पे चला गया था। और नेक्स्ट सीन जहाँ पर ना टाई ने ये बोल के यहाँ पर प्ला को बुलाया था कि उसकी बहन उसके पास है, लेकिन उसके पास उसकी बहन नहीं थी। तो क्या किया था ना उसने, यहाँ पर एक शर्त रखा, अगर तुम अपनी बहन को सही सलामत देखना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो। और अब शादी करने के बाद क्या आया था ना, देखो ये दोनों शादी भी कर लेते तो शादी का भी सच बताती हूँ, ये इसे शादी करेगा सारी प्रॉपर्टी वापस ले लेगा, तो यही प्लान था। तो यहाँ पर ना कोर्ट पर ये लोग डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पे ये लोग बहुत स्वीट कपल की तरह प्रेजेंट करने के साथ साथ शादी भी कर लेते हैं। तो हमारे बाद में टाई बताता है कि देखो मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार तो है नहीं, बस मुझे अपनी प्रॉपर्टी हुआ बस सही, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। तो अब 3 साल तक अच्छे से अच्छी बीवी बन के रहो, ऐसा वो बोला था। तो आप बोलते ठीक है, मतलब अब उसने ना सीधा सीधा वार्न किया था, अगर वो उसकी बातें नहीं मानेगी तो उसकी बहन के साथ कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट दिन वो उसे फार्म पर ले जाता है, मतलब अब तक वो जहाँ पर था ना, और यहाँ पर ना इन दोनों में लड़ाई हो गई थी। तो यहाँ पर ना वो बोलती कि तुम इससे कैसे बन गई, वो पुराना वाला टाई कहाँ है जो 7 साल पहले था मेरा दोस्त, तो ये दोनों कैसे मिले थे। टाई पहली बार आया था इसके घर पे, जब वो दरवाजे पे कुछ कर रहा था खिड़की पे, तो यहाँ पर ना प्ला ने इतना मारा था इसे, कसम से इतनी अमेजिंग फाइट करती है ना इस ड्रामा में लड़की। बाद में पता चलता है वो तो यहाँ उसके पापा का स्टूडेंट है, और उसके पापा ना एक प्रोफेसर थे, और उसके बाद ना वो थोड़ा टॉमबॉय टाइप की थी, उसकी बहन कौन बहुत खूबसूरत थी, तो बहन को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो हमेशा से लड़कों की हरकत करती थी, मतलब टॉमबॉय लड़कियाँ की तरह नहीं। तो यहाँ पर ना वो उसे इसी तरह से ट्रीट कर रही थी। और उसके बाद यहाँ पर कोंग से भी वो मिला था, और इन दोनों में प्यार हो गया। नेक्स्ट सीन जहाँ पर उसके घर पे आग लग गई थी, उसके पापा की डेथ हो गई, और यहाँ पर होता क्या है ना, उसके पापा ने जो कर्ज लिया था ना, उसके जो जिनको पे करना होता है वो लोग यहाँ पर कब्जा करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन टाई के पापा सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। टाई और टाई के पापा के बीच में कुछ खास अच्छा रिश्ता नहीं था, कभी भी नहीं था, और यहाँ पर टाई के पापा को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। और यहाँ पर कोंग और
ला को अपने घर पे रख देते हैं और पाप से ये दोनों यहाँ पर ही रहते थे। तो प्रेजेंट यहाँ पर वो बोल रहा था कि तुम्हारी बहन को मैं नहीं छोड़ूंगा ना ही तुम्हें, तुम दोनों ने मिलकर मेरे पापा को मारा है और मैं तुम दोनों की जान से मार डालूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जहाँ पर ना वो विलेसेफ के सेठ के पास चल जाता है और यहाँ पर ना वो उसे ऐसे ना अपनी सर्वेंट की तरह इंट्रोड्यूस करवाता है और वो बोलता है कि वो मेरे साथ रहेगी। कैसे रहेगी इस लड़की तुम्हारे साथ, जब सब लोग पूछ रहे थे तो वो बोल देता है कि ये तो टॉम्बो है और लेस्बियन है। तो यहाँ पर ना सब लोग शौक हो जाते हैं लेकिन मान जाते हैं। यहाँ पर पिन को ना इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे तो बस टाई चाहिए था। और यहाँ पर ना टाई बोलता है कि ये मेरे पापा की सर्वेंट थी तो अभी मेरे सर्वेंट है और यहीं पर रहेगी, इससे कोई मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा। यहाँ पर पिन की मॉम थी ना, उन्हें कुछ खास पसंद नहीं था टाई, लेकिन यहाँ पर टाई जैसे तैसे सिचुएशन को भी हैंडल कर लेता है। और अब यहाँ पर टाई और प्ला दोनों ही एक दूसरे के साथ रहने वाले थे। अब प्ला को कहीं और भेज तो नहीं सकता था, उन दोनों ने शादी किया था। इसी के साथ साथ ये वाला प्रीव्यू यहीं पर खत्म। तो गाइस क्या था ना, इस टाइम हमें बहुत सारे सीन्स जो मुझे लगता है नेसेसरी नहीं है, तो मैंने एपिसोड वाले एक्सप्लेन करने के टाइम पे तो बताया, लेकिन मैं यहाँ पर बस लीड के बारे में बताऊँगी जो सीन्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो आई जस्ट होप ये वाला कंसेप्ट आपको पसंद आएगी। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।